Assalamu alaikum viewers. This is fourth video lecture on partnership accounting. Division of profits and losses की related जो general entries होती हैं वो हमने पिछले lecture में की थी. इस video में हम profit distribution plans के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह partners में profit distribute होता है. Profit division plans जो हैं वो हमारे पास दो किस्म के हैं. फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वेरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है कि फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो प्रॉफिट होता है वो एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से पार्टनर्स के दरमियान जो है शेयर होता है प्रॉफिट. जबकि वेरिंग में जैसे कि नाम जाहिर कर रहा है कि वेरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें पार्टनर्स में जो प्रॉफिट शेयर होता है वो उसकी जो परसेंटेज है वो वरी करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दो प्लान्स हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास मेंशन होता है इन द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होता है कि जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. और अगर फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो खामोश है कि किस तरह प्रॉफिट जो है वो तकसीम होगा पार्टनर्स में, तब भी हम जो है पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वली करेंगे. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर खामोश हो इस बात पर कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में नहीं हो, तब 1932 के तहत हम जो है प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दो सिचुएशंस में हमारे पास पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, या तो मेंशन होगा एग्रीमेंट में या एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तब हम 1932 एक्ट के तहत जो है पार्टनर्स में इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इस पर एक इलस्ट्रेशन करते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द बिजनेस, देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली. ए और बी ने 50,000 और 30,000 कैपिटल लेकर आए कारोबार के लिए. द नेट इनकम अर्न्ड फॉर द ईयर दिसंबर 31, 2020 इज 20,000. जो नेट इनकम है कारोबार ने जो कमाई है साल 2020 में वो है 20,000 रुपए. द पार्टनर्स डीड, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड इक्वली. अभी ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड जो है उसमें लिखा हुआ है कि जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो इस पे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है कि हम जर्नल एंट्रीज पास करें. किस बारे में पास करेंगे? यही जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग द पार्टनर्स उसके बारे में हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. तो इधर हमारे पास जो जर्नल एंट्री पास होगी वो इस तरह होगी कि पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल जो है वो उसमें इजाफा होगा इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा. कैपिटल ऑफ पार्टनर या कैपिटल ए, एक पार्टनर ए का कैपिटल, सेकेंडली कैपिटल पार्टनर बी का. ठीक हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होगा? 20,000 के अमाउंट से, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो रहा है किन के अकाउंट्स में? कैपिटल के अकाउंट्स में, जो पार्टनर का कैपिटल है. तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा है इस वजह से ये डेबिट साइड पे आ रहा है. इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक हमने पिछली वीडियो में जो है किया था कि जब हमारे पास पहले तो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें हमारे पास फिर दो सिचुएशंस थी. फिर हमने इसके बाद पढ़ा था कि जब हम प्रॉफिट
जो पार्टनर्स हैं उनके दरमियान जो तकसीम करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कैपिटल के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल ए का अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि कैपिटल पार्टनर ए और पार्टनर बी का कैपिटल जो है इस प्रॉफिट की वजह से बढ़ रहा है, तो इस वजह से जब कैपिटल में इजाफा होता है वो डेबिट हो। और कितनी अमाउंट से बढ़ रहा है? 10,000, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों में जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस हमने कम कर दिया, डेबिट इस वजह से कर लिया। दूसरी तरफ हमने कैपिटल ए का अकाउंट और कैपिटल बी का, पार्टनर ए का कैपिटल और पार्टनर बी का कैपिटल हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 10,000 के हिसाब से बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जो है हमें इलस्ट्रेशन में कहा गया है कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ा कि फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब पार्टनर्स के दरमियान होती है और ये डिक्लेयर्ड होता है कि इनके दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड होगी, मतलब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि जब भी प्रॉफिट होगा तब जो है इनके दरमियान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी दूसरी जो है वो हमारे पास फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है, ये उस टाइम पे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो फॉर एग्जाम्पल 40% ए को मिलेगा, 60% बी को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये क्लास भी हो सकता है, तो उसके ऊपर हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। द नेट इनकम अर्नड फॉर द ईयर 2020 इज 25,000। 2020 के लिए जो नेट इनकम अर्न हुई है वो 25,000 हुई है। प्रिपेयर क्या करना है? जर्नल एंट्रीज करनी है अंडर दी फॉलोइंग कंडीशंस, कि ये कंडीशंस जब आएंगी तो हमारे पास हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मुख्तलिफ सिनेरियोस के लिए हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है, तब हमारे पास जो जर्नल एंट्री होगी वो किस तरह होगी? तो हम करते हैं इधर कि हमारे पास, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? 25,000 से। अभी कैपिटल ए हमारे पास क्रेडिट हुआ, कैपिटल बी भी हमारे पास क्रेडिट होगा। अभी इसमें अमाउंट कितनी होगी? इसमें देखें आप, 25,000 में जो ए का रेशो है वो है 3:3, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और डिवाइड कर देंगे इसको 5 पर, तब हमारे पास ये आ जाएगा। इसको इसके सामने आप इक्वल का साइन लगा दें तो हमें ये खुद ही कैलकुलेट करेगा। 3:2 और कैपिटल बी का कितना बनेगा, पार्टनर बी का कितना प्रॉफिट का शेयर बनेगा, वो बनेगा मल्टीप्लाई बाय 2:5, इसके आगे भी इक्वल का साइन लगा देंगे तो वो 10,000 के तीन हिस्से जो हैं वो पार्टनर ए को मिले, जबकि दो हिस्से जो हैं वो किसको मिले? पार्टनर बी को। और इससे क्या हुआ? पार्टनर ए का कैपिटल भी बढ़ गया और पार्टनर बी का कैपिटल बढ़ गया। और ये बैलेंस कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बैलेंस से आ रहा है, और उसका पहले बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा। उस बैलेंस को कम करने के लिए हमने उसको डेबिट किया इस वजह से। आगे देखेंगे दूसरा सिनेरियो क्या है। दूसरा सिनेरियो कहते हैं इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 70% टू ए एंड 30% टू बी। अगर 70% ए का प्रॉफिट है और
प्रॉफिट में ए का हिस्सा जो है वो है 70% और बी का जो हिस्सा है वो 30% है, तब क्या होगा? तब हमारे पास एंट्री, इसी एंट्री को हम चेंज कर लेंगे कि 25,000 का प्रॉफिट हुआ, अब इधर कैलकुलेशन हमने चेंज करनी है, इज इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.70 के साथ, 70% या 0.70 की बात हो गई, तो वो बन गया 17,500, जबकि दूसरे का कितना था 30%, तो F2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 0.30, तो 30% उसका बन गया और A का कितना बन गया 70%। तो ये क्या हुआ, हमने जो फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें दो मेथड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में हमने क्या पढ़ा कि जब हम, ये उस टाइम अप्लाई होता है जब मेंशन हो एग्रीमेंट में या एग्रीमेंट इस बारे में साइलेंट हो, तब जो है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब मेंशन है तब उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली जितना फीसद में अगर दिया गया या रेशियो में दिया गया हम क्या कर लेंगे, उसी हिसाब से प्रॉफिट को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो अगली वीडियो है उसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वेरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास।